ऑस्कर 2019 के विजेताओं की घोषणा से पहले यहाँ जानिए किसे मिलने वाला है अवार्ड। भारतीय समयानुसार लॉस एंजलिस हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 25 फरवरी सुबह 5:30 बजे से ऑस्कर अवार्ड 2019 का आगाज होने वाला है। पूरी दुनिया भर में ऑस्कर 2019 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ऑस्कर 2019 की घोषणा में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन ऑस्कर की घोषणा करने से पहले ही कई फिल्मों को लेकर यह कयास शुरू हो गए हैं कि इस बार किस फिल्म को, अभिनेता को, डायरेक्टर को, अभिनेत्री को और अन्य को ऑस्कर 2019 का अवार्ड मिलने वाला है। जी हाँ, हाल ही में कई ऑस्कर एनालिस्ट ने गोल्डन ग्लोब और दी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में यह कल्पना की जा रही है कि इस साल किसे ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है। खबरों के मुताबिक इस बार के ऑस्कर अवार्ड को लेकर हार्वर्ड एनालिस्ट बेन जॉर्जमन ने कहा है कि मैं पिछले साल कई फिल्मों से अवार्ड देने को गहराई से रिसर्च कर रहा हूं। उसके बाद मैंने ये लिस्ट बनाई है। आपको बता दें कि जॉर्जमन ने पिछले साल जो भविष्यवाणी की थी उसमें से 20 से 21 अवार्ड सही थे। इस बार खबरों के मुताबिक जॉर्जमन ने बताया है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड रेमी मलेक को फिल्म बोहिमियन रैप्सोडी के लिए दिया जाएगा। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म दी वाइफ के लिए ग्लेन क्लोज को मिलने वाला है। इसके साथ ही जॉर्जमन ने आगे बताया कि अभिनेत्री रेगिना किंग को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उनकी फिल्म इफ बिल स्ट्रेट कुड टॉक के लिए अवार्ड दिया जाएगा। वहीं फिल्म ग्रीन बुक के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए माहेरशाला अली को अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जॉर्जमन ने बताया कि अल्फोंसो क्यूरॉन को फिल्म रोमा के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी रोमा को ही मिलने वाला है। जॉर्जमन के मुताबिक रोमा न सिर्फ ऑस्कर के लिए बल्कि नेटफ्लिक्स के लिए भी बेस्ट फिल्म साबित हुई है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये फिल्म जॉर्जमन की भविष्यवाणी थी, लेकिन रियल में इस बार अवार्ड किसे मिलना है इसका रिजल्ट कुछ ही घंटों में आपके सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।